बनाना प्रोसेसिंग पाउडर बिजनेस शुरू करो और लाखों करोड़ों कमाओ, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो वीडियो मत देखो भाई। हाँ, वीडियो मत देखो, क्योंकि ये नहीं होने वाला इस वीडियो में। आप जितने दिन से मुझे देख रहे हो, कभी ऐसा लगा कि मैं वो एनर्जी डाल डाल के आपको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं है। चावड़ी एक सिंपल ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है। आज हम बात करने वाले हैं कि बनाना पाउडर बिजनेस प्रैक्टिकली किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स की, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, इनकी वीडियो देख रहा हूँ। और आई थिंक सो इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ रील के चक्कर में या अपने वीडियोस के चक्कर में कुछ भी बिजनेस आइडिया प्रमोट कर रहे हैं। और लोग यही बोल रहे हैं कि यार ये बनाना पाउडर आप बनाओ और अमेजोन पे बेच दो तो इतना पैसा मिलेगा, 8,000 रुपये के जी में बेचा जाएगा। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आने लगे चावड़ी कॉल सेंटर को कि यार वो बनाना पाउडर का बिजनेस हमें शुरू करना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है। सर हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सर हम झारखंड से बोल रहे, सर हम यूपी से बोल रहे, सर महाराष्ट्र से बोल रहे। मुझे लगा यार इस पे तो वीडियो बनता है। सो इसके पहले बनाना पाउडर पे मैंने गौर नहीं किया था, पर अब इसलिए गौर कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में बनाना पाउडर का जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। शायद आपने पहला मेरा ये वीडियो भी देखा होगा, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला। नहीं देखा तो वो भी देख लेना, पर वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट आज मैं यहाँ जो बताने वाला वो समझ लेंगे, फिर बाद में आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? सो नमस्कार, मेरा नाम है अमित रमेश मखरे। 2011 से हम चावड़ी नाम से, महाराष्ट्र से, अहमदनगर से, अभी जो अहिल्यानगर बन चुका है, जो शिरडी का डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां से हम ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का काम करते हैं, राइट? तो अब 13 साल हो चुके हैं। बहुत सारे बिजनेस को हम कैंसिल कर चुके हैं, बहुत सारे बिजनेस जो ऑलरेडी शुरू है उनको भी कैंसिल कर चुके हैं। तो एक बात तो मुझे ध्यान में आ जाती है कि अब ये यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हम रोक तो नहीं पाएंगे, क्योंकि यार इनका काम है उनके वीडियोस को व्यूज लाना, उनका भी पेट उसपे भर रहा है। हम यही कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस पे गौर करें कि क्या है प्रैक्टिकली ये बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस खड़ा कर चुका हो तो ये तो समझ में आ जाता है कि यार क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले बनाना पाउडर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, राइट? नंबर टू, कहां पे बेचा जा सकता है? पर्सनल केयर ब्रांड्स, कॉस्मेटिक ब्रांड, फार्मास्यूटिकल ब्रांड, तीन कैटेगरी है। पर ये B2B प्रोडक्ट है, ये B2C प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है B2C में। आपके घर में कहीं भी आप बनाना पाउडर आज तक यूज किए हो, या आपके किसी दोस्त के बीवी ने या ब्यूटी पार्लर वाली ने बनाना पाउडर डेफिनेटली यूज किया है, नहीं किया होगा, राइट? सो बहुत कम रिक्वायरमेंट है B2C में। और जो कंपनीज को चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स को चाहिए, या फिर मेडिकल सेक्टर को चाहिए, या फिर पर्सनल केयर ब्रांड को चाहिए, वो अमेजोन पे जाके खरीदेंगे या फिर एक बड़ा सप्लायर ढूंढेंगे। बात समझ में आ रही है? तो भाई ऑनलाइन डिमांड है, पर वो डिमांड कम है। सारी चीजें जो अमेजोन पे दिखती है वो उतनी क्वांटिटी में नहीं सेल होती जितनी हो रही है। यदि कुछ सेल होगा तो डेफिनेटली आप भी बरको, पर 100% उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें कंपनीज को अप्रोच करना होगा, कंपनीज के साथ बात करनी होगी, तब जाकर हमारा ये बिजनेस खड़ा हो सकता है। सो दिस इज वेरी क्लियर स्टेटमेंट। एक्सपोर्ट पे डिमांड है, डेफिनेटली है, पर एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं कि हर साल हर जगह हर समय आपका ही प्रोडक्ट बिकेगा। बहुत सारा ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, लोग बना रहे, लोग बेच रहे। हमें ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें ये सीखना होगा कि यार इस बिजनेस में यदि एंटर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले मार्केट में घुसना कैसे है ना, ये सीखना होगा। सही है, गलत है, राइट? सो दिस इज बेसिक स्टेटमेंट। सेकंड, अब टेक्नोलॉजी की बात करें कि सर क्या इन्वेस्टमेंट होगा यदि बनाना पाउडर का फिर भी बिजनेस शुरू करना है। देखो, एक तो ये वेजिटेबल डिहाइड्रेशन वाला टेक्निक है। सो हम जो ड्रायर्स वाला जो प्रोसेस दिखता है तो उसमें ये डेफिनेटली बन पाएगा। सो 2 से 3 लाख से लेकर 2-3 करोड़ तक प्रोजेक्ट बन सकता है, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी और डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी की, डिहाइड्रेशन की कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, राइट? नंबर थ्री, सर लोग मुझे ये भी पूछते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, सर सोलर में तो बन सकता है ना, हम एक घर बैठे छोटा सोलर लगाएंगे और ये फिर पाउडर बनाएंगे और पर्सनल केयर कंपनीज को भेज देंगे। हेलो भाई, रुको रुको, जरा सबर करो, वो है ना वो वीडियो, वैसे ही है। देखो, सोलर में बिजनेस डेफिनेटली हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सोलर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब विंटर का समय होगा, जब बारिश का समय होगा, तब क्या करेंगे आप? सो भगवान को प्रे करेंगे, हे प्रभु आज सनलाइट आने दे, क्योंकि आज एक ऑर्डर देना है। ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? राइट? मैंने जब ऊपर देखा तो देखा ना सन का पूरा फ्लैश लाइट। बात सिंपल है सर, वही है। सोलर में आप छोटे स्केल पे बिजनेस शुरू तो कर सकते हो, पर जब हमें बेचना है, जब हमें सेल करना है, तब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कमर्शियली बड़ी कंपनीज वो आपके सनलाइट पे डिपेंड होके तो धंधा नहीं करेगी। सही है, गलत है? यदि आपको सही लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, अब आगे जाते हैं।
किस एरिया में बनाना का प्रोडक्शन हो रहा है, आप किस एरिया से वीडियो देख रहे हो वो पहले मुझे बताइए। आप रॉ मटेरियल एरिया बिलोंग करते हो, जैसे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ जलगांव हो गया, यूपी में प्रोडक्शन है, मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन है, आप कमेंट करके आपका एरिया मुझे बता देना कि आप किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हो। सर टेक्नोलॉजी वाइज कम बजट में भी बिजनेस शुरू हो सकता है, एक फायदा यह है टेक्नोलॉजी में कि भाई यदि आपको सेम टेक्नोलॉजी में बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाना ही पाउडर बनेगा, इफ यू कैन चूज द परफेक्ट टेक्नोलॉजी तो एक फायदा हो सकता है कि यदि बनाने में ऊपर नीचे हो जाए, आपको बायर मिलने में प्रॉब्लम हो या बनाना मिलने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसा है कि आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो कि दूसरे भी प्रोडक्ट सेम टेक्नोलॉजी में सेम मशीनरीज में आप प्रोसेस कर सकते हो, तो ये एक फायदेमंद वाली बात हुई, राइट। ये एक बात है। और एक डाउट लोग बहुत सारे पूछते हैं कि सर हमने ऑनलाइन देखा वो 8,000 रुपए के जी 10,000 रुपए के जी। हेलो सर, बनाना पाउडर की एक बात समझ लो, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 180 रुपए से लेकर 300 रुपीज तक इसका मार्केट है, उससे ज्यादा नहीं है। बी टू बी में अप्रोक्सीमेटली 180 से लेकर 300, कभी कभी हाइक करेगा, कभी उसके लो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बनाना का रेट 10 से 12 रुपए केजी चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 केजी बनाना लग जाएगा। अप्रोक्स बोल रहा हूं क्योंकि ये कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन द वाटर परसेंटेज और मॉइस्चर परसेंटेज। तो 7 से 8 किलो लग जाता है, 8 किलो की प्राइस हम निकाल ले तो 100 रुपए का अप्रोक्सीमेटली हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है, फिर प्रोसेस करके फिर उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करके या लाइट या फिर बाकी का खर्चा ऐड करके मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके लोग 150-180 में भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम यूजुअल बात है। आपको कोई भी सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी चीज़ चाहिए, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन में और अपना जो ऐप का लिंक है उस ऐप पे जाइए, उस सप्लायर इन्फॉर्मेशन टैब में जाइए, हमारा ट्रेड एक्सपर्ट नाम का वर्टिकल ओपन हो जाएगा, प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट के सप्लायर की। कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, सप्लायर चाहिए, वेंडर चाहिए, मैन्युफैक्चरर चाहिए, डीलर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, कुछ भी चाहिए। बीच बीच में मराठी आ जाती है यार, क्योंकि मैं मराठी हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो कोई भी चीज़ चाहिए ट्रेड एक्सपर्ट पे जाइए, ढूंढिए, लोकेशन वाइज सर्च कीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। तो वो दिक्कत ना नहीं है। सो बनाना पाउडर बिजनेस डेफिनेटली बढ़िया है। बहुत सारे लोग जब मेरे पास बीसीपी प्रोग्राम में आते हैं, बीसीपी क्या है वो आपको पता होगा शायद, बीसीपी हमारे एक बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, तो वो लोग मुझे हमेशा पूछे सर मुझे वो बनाना पाउडर का बिजनेस करना है और मशीन कहाँ पे मिलेगी। बोले मशीन तो अपने ट्रेड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, आप गूगल भी कर दोगे दो ट्रेड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म तो वेबसाइट हमारा ओपन हो जाएगा, जो चाहिए वो सप्लायर का नंबर मिल जाएगा। पर वो मशीन लाओगे, मशीन रख दोगे तो मशीन काम करेगा, धंधा बढ़ेगा? तो हाँ सर, मशीन लाने से ही बिजनेस होता है ना यार, मशीन लाने से प्रोडक्ट तो सेल नहीं होता, प्रोडक्ट तो सेल हमें करना पड़ता है। तो यार मशीन लेने की जल्दी मत करना, मैं ये नहीं कर रहा कि मशीन नहीं लेना है, पर मशीन सही समय पर लेना है जब हमारा फ्रेमवर्क का या बेसिक फंडामेंटल्स इस बिजनेस का क्लियर हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यदि सही बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट आप वीडियो लाइक कर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो या मैं जो बताता हूँ या जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये कंसेप्ट समझ में आ रहे, राइट। बिकॉज आई एम नॉट ए यूट्यूबर या कोई मैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, मेरा काम है प्रैक्टिकली वो प्रोजेक्ट्स खड़ा करना, या जिस बंदे को खड़ा होना है, जिस बंदे को अपना बिजनेस शुरू करना है उसे कंसल्ट करना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना इन टर्म्स ऑफ बीसीपी प्रोग्राम। और ये सारी चार्जेबल फैसिलिटी हम कोई सोशल वर्क नहीं करते। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो ये स्पेसिफिकली क्लियर बोल रहा हूँ। और ये भी बात बहुत क्लियर है कि हम मार्केट नहीं देते, हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, या फिर कि कौन इसको खरीदेगा इसका नंबर भी हम नहीं देते। ये सब काम आपको करना होता है, हम सिर्फ आपको हेल्प करते कि आप आपका बिजनेस खड़ा कर पाए। ये स्पेसिफिकली और क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि अमित सर के साथ बीसीपी प्रोग्राम को ज्वाइन करूँ और खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो यार आपको किसी को किसी चीज़ का भ्रम नहीं होना चाहिए कि यार सर ने तो वीडियो में कुछ और बोला था, अब ये प्रैक्टिकली कुछ और बोल रही है मैडम। तो हम चार्जेबल कंसल्टेंसी कंपनी है, डेफिनेटली इसमें काम करता है, बहुत सालों से कर रहा है, इसलिए मुझे लगा कि ये चीजें आपको गौर करनी चाहिए। देन इसके आगे जाकर सर लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ भाई, 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1,000-2,000 स्क्वायर फीट डिपेंड ऑन द कैपेसिटी हमें लैंड लगेगी। आप आपके गांव साइड में भी कर सकते हो, अर्बन एरियाज में भी कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, गांव में कर सकते हो, आपके पास एमआईडीसी का प्लॉट है उसमें भी ये प्रोजेक्ट कर सकते हो। फंडिंग भी अवेलेबल है क्योंकि गवर्नमेंट के सीएमएजीपी नाम की स्कीम है, पीएमएजीपी नाम की स्कीम है, या फिर मुद्रा स्कीम है, या पीएमएफएमई नाम से स्कीम है, उसको लोन मिलना या सब्सिडी मिलना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है हमें कंसेप्चुलाइज बिजनेस क्लियर होना, यदि वो बनाना पाउडर का आप क्लियर करो
तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बी टू बी, बी में थोड़ा बहुत ऑनलाइन, बी टू सी में, डी टू सी में कह देते डायरेक्ट टू सेलिंग, और एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट को मार्केट ये रिक्वायरमेंट रहेगा। तो भाई सोचिए, प्लानिंग कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि सर हम यदि बनाना पाउडर का बिजनेस सिलेक्ट करें तो चावड़ी हमें किस तरीके से हेल्प करेगी, तो हम इसमें ट्रेनिंग का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं। हमारा विजिबल डिहाइड्रेशन नाम से पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम हिंदी में अवेलेबल है, वो ऑनलाइन है, वो आप अटेंड कर सकोगे। यदि एक हाथ कहीं पर विजिट अवेलेबल हो जाए तो विजिट भी करवा के देते हैं। फिर आपको मशीनरी का नंबर चाहिए, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन निकालना है, लाइसेंस निकालना है, वेबसाइट बनवाना है, डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, ये पूरा कर दे, और पूरा प्रोजेक्ट खड़ा होने में बीसीपी नाम का हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें हम हैंडहोल्डिंग सपोर्ट भी करते हैं। बाद में आपका बिजनेस शुरू हो जाए तो फिर हमारा एक ट्रेड एक्सपर्ट्स नाम से, जिसके लिए मैंने पहले अभी आपको बताया कि ट्रेड एक्सपर्ट नाम के प्लेटफॉर्म पे आप भी रजिस्टर्ड हो सकते हो, आपके प्रोडक्ट रिलेटेड भी कोई इंक्वायरी हमारे पास है तो वो भी आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये ऐसा एक पूरा शेड्यूल हमारा होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, सोचिए, प्लानिंग कीजिए। बनाना पाउडर बिजनेस बहुत अच्छा है, विजिबल डिहाइड्रेशन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लोग पूछते हैं कि सर इसमें फ्यूचर रहेगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर रहेगा। दिक्कत कहाँ आ सकती है, प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक कंपनीज है, ये तो हमेशा वो डिमांड ऑर्डर में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। दिक्कत कहां पे हो सकती है कि भाई कंपटीशन बहुत हो जाए तो फिर रेट की मारामारी हो सकती है, तो फिर आगे जाके थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये तो अभी फिलहाल तो कंडीशन नहीं है, चार पांच साल में कितना पेनिट्रेशन होता है ये तो आगे जाकर पता चलेगा, तो कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि कितना पेनिट्रेशन होगा। पर पिछले 10-12 सालों का मैं एनालिसिस करूं तो बहुत सारे लोगों ने हमसे सीखा भी है पर खुद नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को बायर नहीं मिल पाते, लोगों को काम नहीं करना है, लोगों को सेटअप नहीं कर पाते, लोगों का लोन नहीं हो पाता, नंबर ऑफ रीजंस है। तो सोचिए, प्लानिंग कीजिए। यदि आपको लग रहा है तो इस नंबर के, चावड़ी का जो नंबर है उस पर फोन कीजिए, सर से बात करनी है, बीसीपी प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट से हमें पूरा बिजनेस खड़ा करना है, वो प्रोग्राम लीजिए। मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और आपको बहुत सारी वीडियोस वैसे भी चैनल पे डाली हुई है, तो यार अब इस वीडियो को लाइक तो कर देना, चैनल नहीं अब तक सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।